मध्य प्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया स्थित मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कार्यालय के सहायक ब्रजेश नायक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही यशवंत कुमार विश्वकर्मा निवासी कबीर वार्ड खोरई थाना जिला सागर की शिकायत के आधार पर की गई थी। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, पार्टी हॉल, एसी, नॉन एसी, लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। दरअसल यशवंत कुमार ने बताया कि उसे आवंटित आवास में अपनी पत्नी का नाम जोड़ने के लिए सरकारी प्रक्रिया के तहत आवेदन दिया था, लेकिन इसके एवज में ब्रजेश नायक द्वारा उससे 16,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। लगातार दबाव बनाए जाने पर यशवंत कुमार ने लोकायुक्त सागर से संपर्क किया और मामले की जानकारी दी। लोकायुक्त पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ट्रैप योजना बनाई। निर्धारित योजना के तहत 22 अक्टूबर 2024 को आवेदक यशवंत कुमार ने ब्रजेश नायक को मकरोनिया स्थित कार्यालय में 10,000 रुपए की राशि दी, जिसे लेते ही आरोपी को लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यशवंत विश्वकर्मा, कितने हजार मीटर, क्या मामला था? मामला ये था कि हमने एक EWS मकान ऑनलाइन बुक किया था 2022 में, तो उसकी लगभग 6 किस्तें थी जो कि हमने समय समय पर भरवाई बैंक से लोन लेकर, और उसकी जो रजिस्ट्री होनी थी, रजिस्ट्री हमने पता किया है कि लगभग 1,000 के स्टाम्प पर इनको लिख कर देना होती है। उसका खर्चा 1,500 से 2,000 रुपये आता है, तो उसका लगभग 20,000 खर्चा ये बता रहे थे हमें। और लास्ट किस्त हमने सर 25 अक्टूबर 2023 को भरी थी। एक साल के बीच में इन्होंने मुझे 3-4 बार बुलाया, मगर वो रजिस्ट्री नहीं करा रहे, 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। हमने एक आवेदन और दिया था कि जो आवंटन हुआ है मकान हमारे नाम से, उसमें हमारी पत्नी का नाम जोड़ दिया जाए, तो उसका 20,000 अलग से वो बोल रहे थे। और कल जब मैं यहाँ आया तो बोले कि सर से बात करके आते हैं, और 16,000 में तय हुआ। जो आज हमने 10,000 दिए थे और बाकी बोला था कि हम कुछ दिन में दे देंगे। इस सफल कार्यवाही का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक BM द्विवेदी ने किया। उनके साथ निरीक्षक अभिषेक वर्मा और लोकायुक्त स्टाफ के अन्य सदस्यों ने मिलकर ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी ब्रजेश नायक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। खुरई के यशवंत कुमार विश्वकर्मा आवेदक हैं, जिनके लिए मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के तहत खुरई में आवास स्वीकृत हुआ था, और उस आवास में अपनी पत्नी का नाम जोड़वाने के एवज में इन्होंने इधर पदस्थ सहायक ब्रजेश नायक से संपर्क किया, जिसने 16,000 रुपये रिश्वत राशि के रूप में मांग की थी। आज 10,000 रुपये लेते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मकरोनिया।